पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गले लगाया है प्रिंस को, पाकिस्तान हो गया है। फिलहाल मैं मुरादाबाद लोकसभा की बात कर सकता हूँ, आप देखेंगे सांसद हैं, इस वजह से आपसे पूछा जा रहा है। चुनाव नजदीक है, हमें घर देखना है, घर सही है, सब कुछ सही है। मैं इतना कह सकता हूँ जो आज माननीय गडकरी जी ने हमें दिया है, शायद देश आजाद होने के बाद इतना हमारी लोकसभा को भी मिला। प्रधानमंत्री जी ने अदिति देव भाव की परंपरा निभाई है और एक मेहमान आए, उनका स्वागत किया, मुझे जानकारी। विरोधी पार्टियां जो है क्यों हल्ला कर रही है? विरोधी तो विरोधी है, उन्हें तो विरोध करने का काम है, उन्हें तो कुछ ना कुछ कहना ही है। हमेशा कहते चुनाव जैसे नजदीक आगे और ज्यादा बोलेंगे। देश अभी शहीदों के शहादत को भूला नहीं है, गम में है, और ऐसे में वोट मांगना उनके नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, कितना जायज है? वोट मांगा क्या उन्होंने बताऊ? उन्होंने जो नेता मांग रहे हैं, नहीं मांगा नेता, उन्होंने वोट मांगा। आप जो कह रहे हैं ये बताइए, आज हमारे उप मुख्यमंत्री केशवदेव मौर्य जी आए, नितिन गडकरी जी आए, ये बताइए कि जिक्र करा चुनाव के बारे में कभी? उन्हें कहा कि 14 में आपने हमारी सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई, तो इतना हमने काम करके दिखा दिया जो आज तक कभी नहीं हुआ होगा। सांसद जी, पाकिस्तान को कैसा जवाब देना चाहिए आपके मुताबिक सरकार को? माने मोदी जी बोल रहे हैं, पूरा देश बोल रहा है, जवाब देना चाहिए, हर हालत में जवाब देना चाहिए। किस तरह के जवाब की हम उम्मीद करें, मतलब किस तरह से भाजपा जवाब देंगे? जवाब के जवाब तो देना ही चाहिए, पूरी तरह देगा हिंदुस्तान जी, आप निश्चिंत रहे। माननीय मोदी जी ने कहा है कि आप अभी 24-48 घंटे का इंतजार करें, समय पूरा होने जा रहा है और जवाब दिया जाएगा, जो आज तक कभी जवाब नहीं दिया हुआ। स्ट्राइक की जरूरत है सर जी, उससे भी और भी बड़े कार्रवाई होगी।